जस्ट टीवी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीते दिनों हमारे महान संगीतकार, महान गायक बप्पी लहरी जी, जिन्हें हम प्यार से बप्पी दा के नाम से जानते हैं, वो हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गए। लेकिन उनके किए गए जो काम हैं, जो उन्होंने देन बॉलीवुड को दी है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और हम जस्ट टीवी की पूरी टीम की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, आज फ्राइडे है, अंताक्षरी का दिन है, और हमारे गेस्ट हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। टीम ए में है विनोद जी, और टीम बी में डॉली जी, नमस्कार, और टीम सी में किशोर जी, नमस्ते जी, नमस्ते एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जस्ट टीवी के स्टूडियो में। और गेम शुरू करने से पहले आपको मैं गेम के नियम रूल्स बता देता हूं। चार राउंड होंगे अंताक्षरी में। पहला राउंड जो है लास्ट अक्षर से आपने गाना गाना है, और जैसे कि हम सभी गाते आए बचपन से, वो अंताक्षरी हम खेलते आए, वैसा ये होगा, लास्ट अक्षर से आपने गाना गाना है। और सेकंड राउंड टीवी पर आपको गाना दिखाया जाएगा, गाना म्यूट होगा, गाने को पहचान के जो भी पहले पहचान लेगा वो गाना गाएगा। और हर राउंड में करेक्ट गाने के 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और गलत गाने के -5 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। इसलिए बड़ा सोच समझ कर खेलिएगा। और थर्ड राउंड होगा पर्ची राउंड। आपके सामने एक बॉल पड़ी होगी और उसमें से आपने पर्ची पिक करनी है। उसमें जो भी वर्ड लिखा होगा वो आपके मुखड़े में, गाने के मुखड़े पे वो वर्ड होना चाहिए। आपका वही गाना गाना है जिसके मुखड़े में वो वर्ड हो। और अगेन करेक्ट गाने के 10 पॉइंट्स होंगे और गलत गाने के -5 पॉइंट्स होंगे। और फोर्थ राउंड हमारा व्यूअर्स राउंड है। उसमें हमारे व्यूअर्स कॉल करेंगे और आप उन्हें वर्ड देंगे, और उस वर्ड उनके मुखड़े में वही वर्ड होना चाहिए जैसे आपने थर्ड राउंड में किया होगा, वैसे ही फोर्थ राउंड हमारे व्यूअर्स के लिए होगा। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये लाइव शो है, आप भी कॉल करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जस्ट टीवी जस्ट हिंदी के दर्शकों के लिए नंबर है 1-844-324-1300, और जस्ट पंजाबी के दर्शकों के लिए नंबर है 718-786-5221। ओके, आर यू गाइस रेडी? यस। शुरू करें? यस, बिल्कुल। ओके, और बप्पी दा का ही एक गाना शुरुआत करके हम आगाज करेंगे शो का, और उसके गाने के अंत में जो वर्ड आएगा वहां से टीम ए ने स्टार्ट करना है। और हर गाने के लिए आपको 7 सेकंड्स मिलेंगे, उस 7 सेकंड्स में आपने गाना वो गाना है। ओके। के पग घुंघरू, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। था से टीम ए, था से, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। याद नहीं आ रहा जी। ओके, आपका टाइम आउट और हो गया जी। टीम बी था से थाड़े रही हो ओ बाके यार रे, थाड़े रही हो रही हो। और यहाँ पर टीम ए के -5 पॉइंट्स होते हैं और टीम बी को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। सारे रही हो यह से टीम सी। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। वाह। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम्ही कह दो जाने वफा, हम क्या करें। वाह वाह। छुपे दिल में जिया डलता,
हम क्या करें, क्या करें, क्या बात है किशोर जी। और टीम ए र से रा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राम करे, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। जाए ए से टीम बी, और आपको मिलते हैं 10 points। आजा ए से, लेकिन आपने गलत गाना शुरू कर दिया और इसके लिए आपको -5.5 points हो जाते हैं। जी टीम सी ए से, ये रेशमी जुल्फे, ये भी गलत है सर। ए से गाना आपने, या से आपके भी -5 points होते हैं। जी टीम ए, ए से ए ए थोड़ी पर्ची दे देता हूं मैं, ए एक वाला एक। ओके आपका टाइम खत्म हो गया। जी टीम बी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरा करूं तेरा करूं मिलन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा तेरा, आपको मिलते 10 points। जी टीम सी र से, रिमझिम गिरे सावन जाए मन, ये आज इस मौसम में जैसी ये लगन, गिर सावन ना से टीम ए, ना से ना जा कहीं अब ना जा, दिल के सिवा ना जा कहीं अब ना जा, दिल के सिवा ए मेरे हमदम ए मेरे दोस्त, ना जा कहीं अब ना जा, ना जा टीम बी ज से, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में दियों को हम बिछाएंगे, जाने कहीं तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे पाएंगे। टीम सी ग से, गोरी है कलाइया, गोरी है कलाइया तू लाज मुझे हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलाइया तू लादे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे पालमां, गोरी है कलाइयां। वाह, और इसी के साथ ये राउंड हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और इस राउंड के समाप्ति पर एक बार स्कोर सभी टीम्स के देख लेते हैं। जी, और शायद किसी कारण से अभी स्कोर नहीं दिख रहे, और यहीं पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपके स्कोर भी बताएंगे और फिर आगे चलते हैं। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आइए एक बार फिर अपने टीम के साथ मिलते हैं। टीम ए बी सी रेडी है जी आप? जी बिल्कुल। और यह सेकंड राउंड है, जैसे कि आपको बताया गया है कि टीवी पर वो म्यूट गाना चलेगा और आपको गाने को पहचानना है। जो भी पहले पहचान जाएगा उसको मिल जाएंगे राइट सॉन्ग के 10 points। ओके, सो प्ले द फर्स्ट वीडियो प्लीज। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन,
जीवन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। वेरी नाइस टीम वी को मिलते हैं 10 points। ओके प्ले द नेक्स्ट वीडियो प्लीज। गोरे मुखर पे इतना गुमान कर, गोरा रंग तो एक दिन डर जाएगा, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो एक दिन डर जाएगा, मैं शमा तू है परवाना, मुझसे पहले तू डर जाएगा, मुझसे पहले तू जल जाएगा। जी गाना आपने सही पहचाना, लेकिन थोड़े वर्ड ऊपर नीचे हो गए, लेकिन फिर भी आपको मिलते हैं 10 points। थैंक यू। ओके जी टीम ए आप भी जागिए जी। ओके प्ले द नेक्स्ट वीडियो प्लीज। लेकिन फिर भी जागिए, आप सभी जागिए, तीनों को मैं ये कहूंगा जी। ओके प्ले द नेक्स्ट वीडियो प्लीज। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना दुरलाना, चुरा लिया है तुम जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। वेरी नाइस। और टीम बी को मिलते हैं 10 points। सही गाना पहचाना आपने, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, क्या बात है। ओके प्ले द नेक्स्ट वीडियो प्लीज। आप फिर से गाना नहीं पहचान पाए, बहुत आसान गाना था और बहुत मशहूर गाना, बाजीगर फिल्म का गाना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने जी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तीनों टीम को कहूंगा एक बार फिर से जागिए और अगला वीडियो देखिए जी। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, तुझको कोई होश होश, चांदी होश होश, मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त। वेरी नाइस, सही गाना पहचाना, बिल्कुल लास्ट सेकंड पे टीम ए ने गाना पहचाना और इनको मिलते हैं 10 points। ओके और इसी के साथ हमारा ये राउंड यहीं पर समाप्त होता है और राउंड के एंड में जो स्कोर्स हैं जी, एक बार फिर से स्कोर दिखा दीजिए। टीम ए है 15 पॉइंट्स के साथ और टीम बी 45 पॉइंट के साथ लीड कर रहे हैं, वेरी क्लोज, और टीम सी 40 पॉइंट्स। ओके ओके, और दर्शकों यहां पर हमें एक ब्रेक लेना होगा और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद गीतों की महफिल में। थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। आज अंताक्षरी का दिन है और हमारे पार्टिसिपेंट बहुत ही अच्छे तरह से अंताक्षरी खेल रहे हैं। दो राउंड हो चुके हैं और ये थर्ड राउंड है और थर्ड राउंड पर्ची राउंड है। इसमें हमारे जो टीम्स हैं ये पर्ची उठा के, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुखड़े में वो वर्ड होना चाहिए जी। आर यू गाइस रेडी? यस जी। टीम ए पहले आपकी टर्न, आप एक पर्ची पिक कीजिए। जी आपके लिए वर्ड है जिंदगी और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते,
वो फिर नहीं आते। क्या बात है, और ये जीवन की सच्चाई है, वाकई जो लम्हे जिंदगी से निकल जाते हैं दोबारा वापस नहीं आते। लेकिन आपने बहुत अच्छा और सही गाना गाया जी, इसके लिए आपको मिलते हैं 10 points। थैंक यू। ओके, टीम बी, नाउ योर टर्न। जी टीम बी, आपके लिए वर्ड है आंखें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आँखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद पलकों से। जी चलो, ये आंखें था वर्ड वैसे, लेकिन आंखें और अखियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं, उसी पे आपने गाया, और इसके लिए आपको मिलते हैं 10 points। ओके, टीम सी, आपकी टर्न। टीम सी, आपके लिए वर्ड है प्यार, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And your time's up. जी, टाइम प्यार करने वाले। टाइम सर, आपका फिनिश हो गया जो टाइम था। जी टीम बी, आपने पहचाना प्यार पे, जी गाइए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। बिल्कुल सही, एक प्यार का नगमा है, क्या बात है। और टीम बी को मिलते हैं 10 points। ओके, एंड टीम ए, आपकी टर्न। जी टीम ए, आपके लिए वर्ड है महबूब या महबूबा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे महबूब कयामत होगी तेरी गलियों, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। वाह वाह, क्या बात है। और टीम ए को मिलते हैं 10 points। ओके, टीम बी, आपकी टर्न। टीम बी, आपके लिए वर्ड है बहार और बहारों। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, नजारों राज निगाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। टीम बी को मिलते हैं 10 points। जी टीम सी, आपकी टर्न अभी। टीम सी के लिए वर्ड है शाम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम फिनिश, आपका टाइम फिनिश होता है। जी टीम ए ने पहले हाथ खड़ा किया। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी। जी बहुत सही गाया आपने। और टीम सी के यहाँ पर होते हैं -5 points, एंड टीम ए को मिलते हैं 10 points। जी
अभी टीम है आपकी टर्न। बोनस राउंड, बोनस जी, बिल्कुल बोनस मिल गया टीम जी, उनको दीजिए जी। आपके लिए वर्ड है इश्क, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इश्क, योर टाइम स्टार्ट नाउ जी। टीम बी ने पहचाना है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क ना 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 ना। आगे बताओ। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क पे तो बहुत गाने हैं जी, लेकिन आप पूरा नहीं गा पाए। पूरा नहीं गा पाई जी, तो माइनस जी। आप दोनों के माइनस 5 पॉइंट्स होते हैं, टीम ए और टीम बी दोनों के माइनस 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, आप टीम बी आपकी टर्न है जी। रियली दैट वाज नॉट गुड। टीम बी के लिए वर्ड है मोहब्बत, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। वेरी नाइस, हम ना करेंगे प्यार, क्या बात है जी। और लेकिन ये प्यार ऐसी एक चीज है, इसके बिना कोई रह भी नहीं सकता जी। और टीम बी को मिलते हैं 10 पॉइंट्स, वेरी गुड जी। टीम सी आपकी टर्न। टीम सी के लिए वर्ड है दिल, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो जाने पा, हम क्या करें, बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने वाला, हम क्या करें। क्या बात है, क्या बात है। और टीम सी को मिलते हैं 10 पॉइंट्स, और इसी के साथ ये हमारा राउंड यहीं पर समाप्त होता है। और दर्शकों को अपना ये बता दें कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये लाइव शो है, और जो नेक्स्ट राउंड है वो आपके लिए व्यूअर्स राउंड है, उसके लिए आप कॉल करके भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। जस्ट हिंदी के दर्शकों के लिए नंबर है 1-844-324-1300, और जस्ट पंजाबी के दर्शकों के लिए नंबर है 7-1-8-7-8-6-5-2-2-1। यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, गीतों की महफिल जमी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और रूबरू में आप अंताक्षरी आज एंजॉय कर रहे हैं, गीतों की महफिल जमी हुई है। और जैसा कि ये व्यूअर्स राउंड है, फोर्थ राउंड है, इसमें हमारे पार्टिसिपेंट वर्ड देंगे, और हमारे जो व्यूअर्स हैं आपने ये गाना सिलेक्ट करके गाना है जी। और एक कॉलर हमारे कॉल करें जी। हेलो हेलो जी, आप जी? नमस्कार जी, आप ऑन एयर है जी, कैसे हैं जी? जी आप ऑन एयर है जी, कैसे हैं? आपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर लीजिए। ठीक है, मैंने कर दिया। मैं यूएसए से सुदर्शन बोल रही हूँ, आगे भी मैंने आपसे बात की थी जी, और मैंने ईमेल करने की भी ट्राई की, जो आपने दिया था वो आपको गई नहीं है जी। तो मैंने सिर्फ यही सजेस्ट करना था, तो आज पता चल गया कि आप बार के व्यूवर्स को 11:30 ले सकते हैं जी। जी बिल्कुल, चौथे तो 11:30 हम हमारे कुछ पार्टिसिपेंट हैं यहाँ के जी, जो इंटरेस्टेड है करेंगे जी। और आप तो ईमेल मुझे कर सकते हैं vikram@justbroadcasting.com पे। मैंने यही किया था, और मैंने वी को स्मॉल में भी और बड़े में भी करके देखा था। वी फॉर विक्टर,
वी फॉर विक्टर, हाँ मैंने किया था, पर आपको ओके, और आप इन्फो एट जस्ट ब्रॉडकास्टिंग पे भी ईमेल कर सकते हैं। मैंने यही सजेस्ट ही करना था और कुछ खास नहीं करना जी था। आज आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट है आपको वर्ड देंगे, आप उस वर्ड पे गाना गा सकते हैं। हाँ दे दे, अगर वो वर्ड देते हैं तो पर हमें वो जो आखिरी वर्ड वाली अंताक्षरी हम करते हैं जो हमें छोड़ देते हैं वर्ड, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और या ये मुखड़े में वो आ जाए वो भी ठीक है, लेकिन वीडियो वाला हम ज्यादा मूवीज नहीं देखते तो वो हमारे लिए दिक्कत होती है। जी 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 कोई बात नहीं जी। जी आप वर्ड दीजिए। वर्ड है जी आसमान। आसमान जी आपके लिए वर्ड है जी आसमान। आसमान जी खुला आसमान भीगा आसमान यम अटके नाम तुझको भी कैसे नींद आएगी। हम दे दे एक लाइन का कोई शब्द आपको दे दे हम। जी जी जरूर दीजिए। इनको दे देते हैं, ये जो हमारी बहन जी बैठी हैं इनको दे देती हूँ जी। मौसम है आशिकाना ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। क्या बात है। ऐसे में ढूंढ लाना कहना कि रुत जवा है और हम तड़प रहे हैं काली घटा के साए विरहन को डस रही है डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना सावन का क्या ठिकाना। तो ये नाव से आप गाए जी बहुत अच्छा गाते हैं जी आप, बहुत अच्छा आपका सुर है जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और डॉली जी ना आपको वर्ड दिया ना, ना से आप गाए न जाओ सैया छुड़ा के भैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी रो पड़ूंगी। माई फेवरेट सॉन्ग। वेरी नाइस जी, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए। ठीक है जी, बहुत अच्छा ये राउंड चल रहा है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बप्पी दा जो हमसे शरीर करके अलग हो गए लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, और जितना काम उन्होंने किया इंडिया में, वाकई देखो एक कैसा वो समय था और जब वो एक वेस्टर्न बीट्स वो लेके आए गानों में, और गानों में एक नया निखार आ गया, नया रूप आ गया जी। और मैं चाहूंगा कि बप्पी दा को ये समर्पित हम ये राउंड करें, और टीम में आप बप्पी दा का कोई गाना गाइए। हाँ जी मैं शुरू करता हूँ। आई एम ए डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना, तो नाचो तो झूमो आओ मेरे संग नाचो गाओ। आई एम ए डिस्को डांसर, I am a disco dancer। वाह 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 बहुत अच्छे बहुत खूब जी। डॉली जी आप जी को बप्पी दा का गाना गाइए। बप्पी दा के तो बहुत ज्यादा बहुत सारे गाने हैं, पर उनमें से एक मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है याद आ रहा है तेरा प्यार ओ प्यार कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम अभी जा एक बार ओ, ओ, ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। वेरी नाइस वेरी नाइस जी। और टीम सी किशोर जी आप भी कोई गाना गाइए बप्पी दा। दिल में हो तुम आंखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। दिल में हो तुम आंखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। पूजा करूं सजदा करूं
जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू मेरी जानू, जाने जान जानू। क्या बात है, क्या बात है। और कोई बपीदा का गाना आप गाना चाहें? प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार के बिना, अरे प्यार कर ले। ओ प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार के मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। थैंक यू विक्रम, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में ये सिंगिंग का इंटरेस्ट कैसे जागा, कि आप इस तरफ कैसे शौक आपको पड़ा? वैसे तो बचपन से बहुत शौक था जी, पर अभी 20 साल पहले मैंने कैरोकी पे गाना शुरू किया, तो उससे एकदम काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया हमारा। क्या बात है। और अपने दर्शकों को ये बता दें, ये जो टीम हमारे पास आए हैं, ये सारे जो हैं करोकी पर भी ये गाने हम, जो हैं गाते हम ज्यादातर करोकी पर ही गाने गाते हैं। क्या बात है, क्या बात है जी। बहुत अच्छा गाते हैं इनका, बहुत हाई पिच, बहुत अच्छा है दोनों का जी। और डोली जी, आपको कैसे ये शौक पड़ा गाने का? एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ, जब छोटी थी तब से मुझे शायरी का भी शौक था और चलते चलते गानों का भी शौक था, दोनों पैरलर थे। तो जहाँ कुछ मैं अच्छी शायरी सुनती थी तो नोट डाउन कर लेती थी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक शायरी बताऊँ। जी जी जरूर। जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसे प्यार किया वो पेरिस चली गई। क्या बात है। जिसे शादी किया वो तो सिंगापुर चली गई। दिल ने कहा खुदकुशी कर ले ऐ जालिम, कोई साथ नहीं दे रहा है। दिल ने कहा खुदकुशी कर ले ऐ जालिम, मैंने बिजली को हाथ लगाया तो साली बिजली भी चली गई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ऐसे हंसते हंसते लाफ्टर शायरियां काफी मेरे पास कलेक्शन है जी। पर जैसे जैसे बड़े होते गए तो गाने भी सुनने, जो काम का प्रेशर रहता था, पढ़ाई का प्रेशर रहता था, तो म्यूजिक एक थेरेपी है जो रिलैक्स भी करती है, आपका माइंड रिलैक्स करती है, अपने कल्चर के साथ भी आपको जोड़े रखती है जी। तो वो भी था। तो बचपन में मतलब सोते समय मैं 4-5 अपने रिकॉर्ड प्लेयर होते थे तब जी, तो वो हमारे घर में था रिकॉर्ड प्लेयर, ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाता था। तो 3-4 रिकॉर्ड लगा के बेड पे सो जाना, फिर उसके बाद अपने आप गाने चलते जाते थे, चलते फिर अब ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाता था और हमें भी नींद आ जाती थी। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, दिन भर की जो थकावट थी वो म्यूजिक के साथ एकदम बिल्कुल, और म्यूजिक में ताकत है, ऐसी ताकत है बिल्कुल आपको हाँ, हल्का फुल्का कर देता। तो नेक्स्ट डे उठो तो फ्रेश एकदम, तो बहुत अच्छा लगता था। तो इससे फिर बाद में कैरियोकी यहाँ चालू हो गया, तो बहुत बहुत जी जी कहिए। शेर एक्चुअली मैंने खुद लिखा है जी। क्या बात है। क्या मांगू खुदा से तुझे पाने के बाद जी, क्या बचा है उसके खजाने में तुझे पाने के बाद। क्या बात है, क्या बात है। क्या मांगू खुदा से तुझे पाने के बाद, क्या बचा है उसके खजाने में तुझे पाने के बाद। सारी हसरतें पूरी हो गई तुझे पाने के बाद, जिंदगी जन्नत से भी ज्यादा हसी हो गई तुझे पाने के बाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये आपने कामनी जी के लिए लिखा है? मैंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था जी। अभी किशोर जी आप बताइए, आपको कैसे ये गायकी का शौक जागा? एक्चुअली विक्रम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। और गाने का शौक तो हमको बचपन से था, और इनफैक्ट जब मैं गाने आते थे तो गुनगुनाया करता था, तो मेरे फादर को इतना अच्छा नहीं लगता था, पर मेरी मदर स्माइल करती थी, बोलते कि बच्चा गा रहा है, अच्छा गा रहा है, तो उसको गाने दीजिए, उसका होश मतलब मत कीजिए। बट फादर थोड़े डिफरेंट वे में लेते थे। तो उसके बाद में कंटिन्यूस गाने का था, फिर कहीं मंदिर वगैरह जाते थे पेरेंट्स के साथ में, वहाँ भजन वगैरह गाने का भी मौका मिला। भजनों के साथ इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर करोकी ग्रुप्स में ज्वाइन हुआ, तो उसमें और भी हमको बॉलीवुड गाने का मजा आने लगा। और सच में म्यूजिक तो आपको मालूम है क्या है। जी जी जी, बहुत सही बात है। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे आज ये हमारे बीच में पार्टिसिपेट है, हमारे गेस्ट हैं आज के, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल करिए info@justbroadcasting.com और
vikram@justbroadcasting.com पे आप हमें ईमेल करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। और आज के जो हमारे विनर हैं, एक बार मैं चाहूंगा स्कोर जो है वो दिखा दिए जाए। और आज के जो हमारे विनर्स हैं ये हैं डॉली जी टीवी से। और मैं चाहूंगा आप आगे आइए जी, और आपको जस्ट टीवी की तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। आइए जी विनोद जी, ये हम सबका लिए है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इन। एक्चुअली मुझे कल रात को बोला गया था आप चलिए, मैंने कहा ठीक है चलती हूं। और अपने दर्शकों को हम ये अभी अलविदा कहने का समय आ गया है, और कल फिर मिलेंगे, सोमवार को फिर मिलेंगे रूबरू में एक नए गेस्ट के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए विक्रम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।